अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज हम बनाने वाले हैं बड़े पाए और सफ़ेद चने, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बड़े पाए और चने किस तरह से बनाएं, कर इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने ये एक पाया लिया है बड़ा, और ये एक पाव चने हैं जो मैंने ओवरनाइट जो है भिगो लिए थे। छोटे साइज़ के चने हैं ये देसी। इसके अलावा एक प्याज लेंगे, टमाटर, अदरक और लहसुन। लहसुन अदरक को हम पीस लेंगे। अब एक कुकिंग पॉट जो भी आप चाहें लें, इसमें हाफ कप जो है ऑयल ऐड करेंगे। इसमें एक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। एक प्याज को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। गोल्डन हो जाने पे इसमें लहसुन अदरक जो है कुटा हुआ शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, एक जो हमने रखी थी बड़े साइज़ की। और इसके अलावा ड्राई स्पाइसेस में सूखा धनिया पाउडर, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून जाए तो पाया इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है आपने, और थोड़ी देर कवर कर देंगे ताकि मसाला भी गल जाए और पानी जो थोड़ा बहुत हमने डाला था टमाटर का भी निकलेगा, वो ड्राई हो जाए। पाए भून जाएँ तो इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही चने ऐड कर देंगे। और तकरीबन दो जग जो है ना पानी ऐड करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है। अगर प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो जल्दी कुक हो जाएंगे और आपको पानी कम डालना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पॉट में पका रही हूँ, क्ले पॉट में, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये पाया और चने जो हैं इकट्ठे ही गल जाएंगे। पाए और चने गल जाएं तो इसमें जो गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करें और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दें ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो इसमें ऐड हो जाए। और ये बड़ा पाया और चने जो है हमारे रेडी हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक पहुँचे। Thanks for watching. Allah Hafiz.